गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें हम नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर कंपनी वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है लास्ट क्लास में, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और कंपनी क्लियर होगा। तो इसका एक फीचर्स था अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें अनलिमिटेड तो लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की फ़ीचर्स। और अगर हम इसकी बात करें तो पार्टनरशिप के जो फीचर्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप और ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं पार्टनरशिप, बट कंपनी चेंज होती है। कंपनी का क्या होता है प्रोसेस, कंपनी का अगर हम स्टडी करने जाएं तो कंपनी का प्रोसेस ये होता है, कंपनी में होती है लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कंपनी शुड सेल आउट मार्केट एंड अरेंज हिज कैपिटल, मतलब कोई भी उसके पास शेयर है तो वो शेयर को बेचेगी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में और अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेगी। उसके बाद इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रॉफिट शेयर्स क्या होता है प्रॉफिट का पार्ट। अब प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने पास रखती है, अब जब उसे प्रॉब्लम आती है कंपनी को, उसे लगता है मेरी कंपनी मैं डिसॉल्व ना हो जाऊँ या ब्रांडिंग अपना पोजिशन में ना चलाऊँ, तो वो अपना क्या करती है शेयर्स को सेल आउट कर देती है मार्केट में। जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस, अब वो सेल आउट किसे करती है, वो शेयर होल्डर्स को करती है। तो शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर ऑफ द कंपनी भी बोले जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो होती है वो अपने कुछ पर्सनस को जिसे उसे अपॉइंट करना होता है उन्हें ही अपॉइंट करके मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रखती है, लेकिन ओनर ऑफ द कंपनी हमारे शेयर होल्डर ही होते हैं क्योंकि वो उसमें पैसा लगाते हैं तब उनकी कैपिटल का अरेंजमेंट होता है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें स्टडी करें तो फीचर्स ऑफ द कंपनी में इनकॉर्पोरेशन बाय लॉ, मतलब जितनी भी कंपनी होती हैं वो कंपनी एक्ट 2013 या 1956 के अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब हर कंपनी अपने आप में एक अपनी एक आइडेंटिफिकेशन रखती है। इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई पर्सन है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा या लॉ के द्वारा कोर्ट के द्वारा बना हुआ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेक्चुअल सक्सेशन, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है, कंपनी जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, किसी को लॉस सफ़र करना पड़ा तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स बेच के पैसा लेके और चला जाएगा, लेकिन कंपनी जो है वो आपकी सेम चलती रहेगी और लॉन्ग पीरियड तक चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड लायबिलिटीज रखती हैं, मतलब लिमिटेड लायबिलिटीज से इधर मतलब है कि शेयर होल्डर ओनली पे दैट मनी ओनली विच ही परचेज शेयर्स। इफ़ कंपनी लॉस सफर्स सो इट डीम्ड डिमांड ओनली 10,000 रुपीज विच शेयर होल्डर अप्लाई, मतलब अगर जैसे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो उसे शेयर होल्डर्स का तो पैसा देना ही होगा जितना उसे देना है। तो जैसे 10,000 के शेयर किसी शेयर होल्डर ने, तो 10,000 रुपये देना ही देना है उसे। ये नहीं पता कि अगर वो लॉस ही सफ़र कर रही है तो ये नहीं कि वो उसका पैसा नहीं देगी, वो अपने शेयर्स जो उसके पास रिजर्व्स में रखे होंगे उसे स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगी, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर है उसे अपना पैसा अरेंजमेंट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा सेल आउट करेगा। यदि कंपनी लॉस सफ़र कर रही है तो वो अपना 10,000 रुपये उसने जो लगाए हैं वो अपने निकालने की ट्राई करेगा पूरा, तो उससे वो शेयर होल्डर अप्लाई करेगा फॉर शेयर्स के लिए और कंपनी को वो पैसा देना ही पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसीबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसपेरेंसीबिलिटी ऑफ शेयर्स में मतलब ये है कि जैसे 1 लाख के शेयर्स परचेज करे हैं शेयर होल्डर ने, उसे 1 लाख की रिक्वायर्ड है, तो वो अपने ट्रांसफ़र करवा लेगा शेयर्स कैश में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में वो सेल आउट कर देगा वही चीज़। अब मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप की मैंने बताई, शेयर होल्डर्स हमारे ऑनर होते हैं कंपनी के और जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है। कॉमन सील, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑथोराइज पर्सन के जो हमारे साइन करी हुई सील होती है उसे हम कॉमन सील बोलते हैं। तो ये हमारे सम बेसिक्स थे कि शेयर कंपनी क्या होती है। अब उसमें आपको शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर की यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड, शेयर इज़ अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल। ईच शेयर हैज़ इट नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, मतलब हर एक शेयर जो होता है वो अपनी नॉमिनल और फेस वैल्यू रखता है। होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर, जैसे कि कुछ पोर्शन की अगर हम बात करें तो कुछ पोर्शन, जैसे एक कंपनी है पूरी उसका कुछ पोर्शन ऑथराइज्ड है, और अगर हम इन सबको थोड़े थोड़े पार्टों में डिवाइड कर दें तो वो हमारे शेयर्स हो गए, ये हो गई हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, और अगर हम इसे और पार्टों में डिवाइड कर दें तो वो हो गए हमारे शेयर्स।
जैसे आपने 1 लाख के शेयर्स इशू करे 10 रुपये ईच, तो उसकी अगर 1 लाख के शेयर्स 10 रुपये ईच हैं तो 1 लाख को डिवाइड बाई 10 करें तो आपकी जो 10,000 रुपये मतलब 10,000 के शेयर्स आपने इशू करे हैं 10 रुपये ईच में, क्योंकि तभी तो वो आपके 1 लाख रुपये के ऑथराइज शेयर्स बने। तो 10 रुपये ईच, जो हमारे 10 रुपये ईच की बात आ रही है वो 10 रुपये ईच जो है वो हमारी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है, और जो हमारे 10,000 शेयर्स हुए हैं वो हमारे 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं। अब इशू और ऑथराइज्ड, अब हमें समझना होगा कि इशू क्या होते हैं, ऑथराइज क्या होते हैं, और सब्सक्राइब शेयर्स कौन से होते हैं। अब हम इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन और शेयर्स, शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 3 टाइप्स के शेयर्स होते हैं। ऑथराइज शेयर्स जो हमारे रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट के थ्रू, जो कंपनी ने रजिस्टर्ड कर रखे हैं वो हमारे ऑथराइज शेयर्स होते हैं। इशू शेयर की अगर हम बात करें तो इशू शेयर जो ऑफर करे जाते हैं, प्रपोजल रखा जाता है शेयर होल्डर्स के पब्लिक के थ्रू, पब्लिक के सामने, फिर वो शेयर्स वो परचेज करती है पब्लिक, देन वो शेयर होल्डर हो जाती है कंपनी का। कंपनी में जो रजिस्टर्ड हैं जिससे थ्रू कंपनी एंटर हुई है मार्केट में, रजिस्टर्ड उसने करवाया है, वो कैपिटल जो होती है वो ऑथराइज्ड होती है, और जिसके थ्रू उसने इशू करा है, ऑफर रखा है पब्लिक के आगे, वो उसके इशू शेयर कैपिटल। और जो सब्सक्राइब होंगे, जो जो पब्लिक होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उसे लेते हैं। सब जैसे आप देखते होंगे सब्सक्राइब, आप रिचार्ज करवाते हो किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ परचेज करना। जैसे कभी कभी क्या होता है पब्लिक को पूरे ही सब्सक्राइब, जैसे 50,000 के शेयर्स हैं तो 50,000 के 50,000 ले लिए तो वो सिर्फ आपके शेयर्स परचेज हुए हैं। अब कभी कभी क्या होता है 50,000 के 55,000 ले लिए, इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जो मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, कि 50,000 के शेयर्स थे 55,000 के इशू शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं बाई पब्लिक या शेयर होल्डर। ऐसी कभी कभी कुछ क्या होता है 50,000 के शेयर्स हैं वो 40,000 में सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, इट मींस 50,000 के जो शेयर्स थे वो 40,000 में मतलब अंडर सब्सक्राइब किए गए हैं बाय द शेयर होल्डर या बाय द पब्लिक के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स और करवाऊँगी इसमें, और क्या चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। एक तो शेयर्स कैपिटल और शेयर का मीनिंग आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर टॉपिक हो गया होगा। अब इशू ऑफ शेयर्स में हमारे क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, पार, जब हमें शेयर्स बिल्कुल पार पे मतलब ऑन द, जैसे हमारे 10 रुपये के शेयर्स इशू हुए हैं तो 10 के 10 रुपये हमने ले लिए पब्लिक से, कुछ पैसा जून में लिया, जुलाई में लिया, अगस्त में लिया, किस्तों में इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा पब्लिक से ले लिया पूरा का पूरा। 10 के शेयर्स हैं तो 10 के 10, 20 के शेयर्स हैं तो 20 के 20। अब कभी कभी क्या होता है कुछ पैसा कंपनी देती है, उसे बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है, वो होता है प्रीमियम, और प्रीमियम हमेशा ही अलॉटमेंट में मिलता है। जैसे कंपनी को 10 रुपीज़ के शेयर्स थे, 15 का प्रॉफिट हुआ तो उसने 15 एक शेयर होल्डर के पास 15 रुपये आ रहे हैं तो वो 5 रुपये का आपको प्रीमियम दे देगी, लेकिन ऑन अलॉटमेंट। डिस्काउंट आपका अभी रिमूव हो चुका है, लेकिन समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है कुछ कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो शेयर्स, जैसे आपने मार्केट में पैसा लगाते हो तो पता है मार्केट जब अच्छा डाउन नहीं, अच्छा नहीं चलता, डाउन चलता है तो आपको पैसा कम मिलता है मार्केट से, क्योंकि उसमें आपका डिस्काउंट, आपको लॉस हो जाता है, कंपनी को लॉस हो जाता है तो आपको भी थोड़ा सा वो डिस्काउंट देती है, जैसे जो पैसा आपको मिलने वाला था इंटरेस्ट में से कुछ पैसा कम देगी, तो वो जो पैसा कम होगा वो भी आपका अलॉटमेंट में से किया जाता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कॉल इन एरिया, कॉल इन एडवांस, कुछ अब इसमें जैसे पैसा जो लेती है वो किस्त, हम जो किस्त होती है उसे हम किस में, पहला होता है एप्लीकेशन कॉल, जिसमें पर्सन ने अप्लाई करा है, एप्लीकेशन कॉल अलग दी हुई होती है। फिर होती है दूसरी अलॉटमेंट कॉल, जिसे अलॉटमेंट बोलते हैं। तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, चौथी होती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कभी कभी क्या होता है पर्सन के पास सब जून में कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो एप्लीकेशन मनी देता है, अलॉटमेंट मनी देता है, फर्स्ट कॉल मनी, लेकिन सेकंड कॉल में आके वो पैसा नहीं दे पाता, जो पैसा वो नहीं दे पाया तो वो पैसा कंपनी के लिए डूब गया, क्योंकि वो पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाया, तो वो हो जाती है हमारे कॉल इन एरियर। अब कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसकी फाइनेंशियल और ख़राब हो गई, सेकेंड कॉल भी नहीं दी, तो क्या हो गया फर्स्ट और सेकेंड कॉल हमारी क्या हो गई एरियर हो गई, तो उसे हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। कुछ होती हैं कॉल इन एडवांस, अब कंपनी के पास सब कुछ अच्छा चल रहा है,
शेयर होल्डर के पास भी बहुत पैसा है, तो उसने क्या करा, कुछ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया कि एप्लीकेशन मनी का पैसा तो दिया ही दिया, साथ में अलॉटमेंट का भी दिया और फर्स्ट कॉल का भी दिया और सेकंड कॉल का भी दिया। जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक की किस्त थी, उस फर्स्ट सेकंड कॉल और थर्ड कॉल जुलाई अगस्त में देनी थी, लेकिन उसने अपना जून में ही कंप्लीट कर दी जितना भी उसे अमाउंट पे आउट करना था एडवांसली पैसा, उसे हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। अब कुछ होते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स और रेशियो ऑफ शेयर्स। रेशियो ऑफ शेयर्स हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी क्या होता है, 10 रुपये के शेयर्स करे शेयर होल्डर 10 नहीं जमा करके उसने सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये जमा करे, उसके बाद उसने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं जमा कर पा रहा, तो क्या होगा, कंपनी 7 रुपये भी जब्त कर लेगी। जो वो पैसा जब्त करती है उसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हमारा एक लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, और कुछ हम इसमें इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन भी पढ़ेंगे, मतलब जिसमें हमारा हम शेयर के थ्रू पैसा नहीं ले अरेंज कर रहे हैं कंपनी में कैपिटल, हम उसमें जो कैपिटल वो अदर देन कंसीडरेशन मतलब कुछ एसेट्स से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं पैसों का। अब जैसे कंपनी ने इशू करे 20 लाख के शेयर्स 20 रुपये ईच, अब हमने ये एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, एक कंपनी 20 लाख के शेयर्स इशू करती है 20 रुपये ईच, जो शेयर्स हुए वो 20 रुपये के हिसाब से जून जुलाई अगस्त की किस्त हुई, तो 10 रुपये 5 रुपये और 5 रुपये में दे रखी है। जैसे एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज़, अलॉटमेंट रुपीज़ 5 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल मनी 5 रुपीज़, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है एप्लीकेशन अलॉटेड और फर्स्ट कॉल। अब आपके जो रुपए थे वो आपने 20 रुपये ईच में आपने इशू करी है, तो पहली कॉल आपकी 10 रुपये की है, फिर 5 रुपये की है और फिर 5 रुपये की है। अब शेयर्स 20 लाख के जो शेयर्स थे वो 100 रुपये के थ्रू परचेज किए गए हैं, 20 लाख के शेयर्स 100 रुपये शेयर्स परचेज करे गए हैं मतलब इशू किए गए हैं 20 रुपये ईच के हिसाब से, तो 20 रुपये ईच को तो हमने डिवाइड कर दिया एप्लीकेशन अलॉटेड एंड फर्स्ट कॉल मनी 10 5 5, ये 20 रुपीज़ सॉल्व हो गए। अब 20 लाख के जो शेयर्स थे वो 100 रुपये ईच के थे, तो हमने 100 × 10 करा, 100 × 5 करा एंड 100 × 5 करा। इस तरीके से हम मल्टीपल से हम एप्लीकेशन मनी अलॉटेड मनी और फर्स्ट कॉल की हमने इतना इतना पैसा एप्लीकेशन में अलॉटेड में और फर्स्ट कॉल में दिया। अब इसमें हम जनरल एंट्री सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं आपको एक एक चीज़ें बेसिक्स क्लियर करवाते चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट है आपने कंपनी ने इशू करे 1 लाख के शेयर 100 रुपीज़, अब वो क्या करती है सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटेड दे रही है कॉल नहीं दे रही है, तो वो 50-50 में डिवाइड कर देगी। फिर हमने पीछे पढ़ा ही था कि शेयर कैपिटल में हमारी 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अगर पढ़ें तो 3 ऑथोराइज कैपिटल होती है, इशू कैपिटल होती है, सब्सक्राइब होती है। ऑथोराइज होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मतलब जो रजिस्टर्ड करी गई है, जैसे 50 लाख से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, 5 लाख से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो होती है आपकी ऑथोराइज। और सब्सक्राइब होती है इशू होती है जो कंपनी ने ऑफर करे, जैसे 1 लाख के शेयर कंपनी ने ऑफर करे 10 रुपये ईच से, तो जब कंपनी पब्लिक इशू करती है या ऑफर करती है पब्लिक को तो वो होती है हमारी इशू, और जब कंपनी पब्लिक परचेस कर लेती है वो होती है हमारी सब्सक्राइब। अब कभी कभी क्या होता है कंपनी, मैंने अभी जो समझाया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, 50 हज़ार के शेयर निकाले 50 के 50 इश्यू हो गए तो सब्सक्राइब हो गए, और कभी कभी फुली 50 के 50 फुली सब्सक्राइब, 50 के 45 अंडर सब्सक्रिप्शन तो है ही, साथ में आपका अंडर सब्सक्राइब भी होता है, इसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो हो गए लेकिन नॉट फुली पेड अप। अब उसमें वो अंडर सब्सक्रिप्शन है कि 50 हज़ार के शेयर्स थे कि आपने 45 के, तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो है, साथ में अब पेड अप की बात करें तो जैसे फर्स्ट कॉल पे आपको 5 रुपये देने थे, 3 रुपये देने थे, 2 रुपये देने के क्योंकि 10 रुपये के शेयर्स थे, तो 10 रुपये के शेयर्स में आपने जब पूरे के पूरे दे दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स पे मनी, तो वो आपके सब्सक्राइब फुली पेड अप हो गए, मतलब जो इतने सब्सक्राइब किए गए थे वो पूरा दे दिए गए। कभी कभी क्या होता है 5 रुपये दिए, 3 रुपये दिए, 2 रुपये आप नहीं दे पाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई, आप 2 रुपये नहीं दे पाए, तो वो होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, मतलब आपके पैसे तो सब आपके ऊपर 10 रुपये थे लेकिन आप उसमें सिर्फ 8 रुपये ही जमा कर पाए हो, आप पूरे पैसे नहीं दे पाए हैं, तो वो कंडीशन होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब अगर हम शेयर्स को इशू करने की बात करें तो हमारे 3 कैटेगरी में शेयर इशू होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट।
जैसे अभी मैंने बताया 10 रुपये का शेयर 10 में ही आपका इशू हो जाए और उसमें पूरा बैलेंस आ जाए तो वो पार होता है। प्रीमियम हमारे सिलेबस में 2 हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट डिलीटेड हो चुका है। प्रीमियम की बात करें, अगर 10 रुपये का शेयर 15 आपको मिल रहे हैं तो 5 रुपये का आपको प्रीमियम मिल गया। 10 रुपये का शेयर आपने सिर्फ 8 ही जमा करें तो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दे रही है कंपनी, क्योंकि सिर्फ वो आपसे जो पैसा लेने की बात कर रही है वो सिर्फ 8 रुपये की कर रही है, तो मतलब 2 रुपये का कंपनी आपको ऑलरेडी एक ऑफर दे रही है, एक डिस्काउंट दे रही है। अब इसमें हम अकाउंटेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ जनरल एंट्री बनती है, एक ड्यू की, एक रिसीव की, एक रिसीव की, एक ड्यू की। एप्लीकेशन मनी पहले बनती है रिसीव, फिर देन ड्यू। अलॉटेड मनी पहले ड्यू फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू फिर रिसीव, एंड सेकेंड फाइनल कॉल मनी ड्यू देन रिसीव। जो जो ड्यू की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, ये होती है हमारी रिसीव की एंट्री। और जो हमारी ड्यू की एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि कैसे करके हम इसमें सॉल्व करते हैं। हम टेबल बेस्ड भी कर सकते हैं लेकिन वो प्रोराटा में होता है, तो वो चीज़ मैं आगे समझाऊंगी। लेकिन ये आप पहले इतना 2-3 बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। ये आपका जो इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट था थोड़ा सा। अब कल से हम थोड़े से इसके छोटे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसे समझेंगे, देन उसके बाद हम अपनी बुक के न्यूमेरिकल करेंगे।